टीवी के एमडी मिस्टर राजा आपसे मिलना चाहते हैं। आइए। नमस्ते सर, आई एम राजा, पीटीवी एमडी। बोलिए मिस्टर राजा, कितने सालों से आप ये चैनल चला रहे हैं? 20 सालों से चला रहा हूँ। दीपा को कितने सालों से जानते हैं? 20 साल से ही जानता हूँ। कैसे जान पहचान हुई? हम दोनों क्लासमेट थे। आप दीपा से प्यार करते थे? मेरा मतलब है एक तरफा प्यार करते थे, सही है ना? नहीं सर, दीपा किसी और से प्यार करती थी। तो दीपा का प्रेमी उसे छोड़कर चला गया और उसके पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। ये दोनों बातें आपके लिए अच्छी साबित हुई और आपने इसका अच्छा फायदा उठाया। दीपा को अपने घर ले आए और मौका देखकर उसे हासिल करने की कोशिश की आपने। दीपा इस बात के लिए कभी राजी नहीं हुई। इसका कारण था उसकी बेटी का उसके साथ रहना। वो बड़ी हुई और उसे कॉलेज के लिए फॉरेन में भेज दिया और इसी बीच उसे हासिल करने की कोशिश की आपने। मैंने ठीक कहा ना राजा? जब आपको पता चला कि आपके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे तो आपने दीपा का खून कर दिया, ठीक कहा ना मैंने? सर क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये पुलिस स्टेशन है या डायरेक्टर यूनियन? खूनी को पकड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूँ तो आप उल्टा ये इल्जाम मुझ पर ही लगा रहे हैं? एक्टिंग आप अच्छी कर लेते हैं। सर मैं आपसे काम मांगने नहीं आया हूँ। गुड। ये मोबाइल किसका है? दीपा का। इसमें फोटो किसका है? तुम्हारा ही है। इसमें थप्पड़ कौन खा रहा है? आप ही खा रहे हैं ना, और दीपा थप्पड़ मार रही है। बोलिए ना, बोलिए ना, क्या हुआ आपको? पानी चाहिए आपको? नहीं, जरूरत नहीं है। सिगरेट? नो थैंक्स, सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूं। नहीं सर, मैं खुद ही सच बताता हूं। गुड। अपने चैनल के लाइसेंस के लिए मैं और दीपा मंत्री मोहन कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। राजा सर, हमारे मंत्री जी को महिलाओं से विशेष सहानुभूति है, और वो भी जब कोई महिला ज्यादा ही सुंदर हो। आप बुरा मत मानिए, ये तो आजकल की आम बात है। ए, मेरे बारे में इन्हें ठीक से बताया ना, इन्हें अच्छी तरह से समझा दो। राजा सर, जब हम कोई जगह खरीदने जाते हैं तो पहले एडवांस देते हैं और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो साइन करते हैं, समझ गए ना? डील कंफर्म। एग्रीमेंट तो अच्छी तरह से साइन हो गया, लेकिन हर महीने पेशगी ठीक से पहुंच जानी चाहिए, नहीं तो टीवी पर पिक्चर नहीं आएगी, खाली साउंड आएगा। अगले महीने से रकम पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि लड़की या ब्रांडी, एक ही ब्रांड दो बार इस्तेमाल नहीं करता मैं। राजा सर, लेकिन मेरे लिए ये नियम लागू नहीं होता, उनका जूठा मैं ही खाता हूं। शिट, ब्लडी ओल्ड मैन।
दीपा छोड़ो ना, बात सुनो, हम करोड़ों रुपए कमाने वाले हैं, इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। पहले हाथ हटाओ। ए दीपा, तुम और मैं सिर्फ दोस्त हैं, बेवकूफों की तरह हरकतें मत करो। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। दीपा, सॉरी। अब हम दोनों असली दोस्त बन गए, ओके? ओके। बस यही सच्चाई है, जब दीपा पढ़ रही थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया था और वो दीपा को धोखा देकर चला गया। उस समय दीपा के पेट में उसका बच्चा था। दीपा के पिता एक मिलिट्री ऑफिसर थे, उसके घर में परेशानी हुई तो वो घर छोड़कर आ गई और उसके बाद दीपा की देखभाल मैंने ही की है। क्या आपकी शादी हो गई? नहीं सर। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, आप मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाएंगे। मैं जब भी आपको बुलाऊंगा, आपको मेरे पास आना होगा। अब आप जा सकते हैं। ओके सर, चलते हैं। डॉक्टर, यस। एनी एविडेंस और एनी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस केस? यस सर, दिस इज अ क्लीन प्लान्ड मर्डर। खूनी का मनसूबा एकदम साफ है, वो नहीं चाहता कि दीपा अपना मुंह खोले, इसलिए उसकी जीभ काटकर उसकी सांस घोटकर खून किया है। वेरी बैड। यस सर। डॉक्टर, मेरा ख्याल है कि खूनी या तो मानसिक रोगी होगा या फिर सेक्स मैनियक होगा। नो 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 नो, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस केस को मैंने जहां तक स्टडी किया है, मैं एक बात तो कंफर्म कह सकता हूं, ये एक सोच समझकर किया गया खून है। आई सी। ओके डॉक्टर, फिर मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? सुधा सर। किसकी पढ़ाई कर रही हो? विजुअल कम्युनिकेशन सर। ये पढ़ने के लिए तुमसे किसने कहा था? तुम्हारी माँ ने या फिर चैनल एमडी राजा ने? ऐसा नहीं है सर, मैंने खुद सेलेक्ट किया है। तुम्हारा यहाँ पे कोई रिश्तेदार है? कोई नहीं है सर, लेकिन मेरे नाना जी हैं सर। मतलब? मेरी माँ के पिताजी सर। पिछले 20 साल से दोनों के बीच बातचीत बंद है सर। बस एक बार मैं उनसे मिलने गई थी। क्या उन्हें पता है तुम्हारी माँ की मौत के बारे में? उन्हें पता है सर, लेकिन वो नहीं आए। बस उन्होंने मुझे आने के लिए कहा। क्यों? उन्हें मेरी माँ का लव मैरिज पसंद नहीं था सर। इस राजा और तुम्हारी माँ के बीच में कोई संबंध था क्या? मैं बस इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम्हारी माँ और राजा दोनों बिजनेस पार्टनर थे, दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। इस बारे में तुम्हारी माँ ने तुमसे कभी कुछ कहा है? ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। राजा अंकल बहुत ही अच्छे हैं सर। ऐसा तुमसे किसने कहा था? तुम्हारी माँ ने या राजा ने? मैं खुद कह रही हूं। ठीक है, ये बताओ तुम्हें किसी पर शक है? नहीं सर। जिसका खून हुआ है वो तुम्हारी माँ है। सच बताओ, डरने की कोई जरूरत नहीं, चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं सर, मुझे किसी पे शक नहीं है। Uh-oh.
तुम जा सकती हो। तुमसे नहीं उनसे। ओ ऐसा क्या? सर नमस्ते। ये टीवी कलाकार दीपा की फाइल है सर। और ये इनकी गुप्त वीसीडी है सर। नहीं सर, जब से रेड पर गए हैं तब से सभी वीसीडी को गुप्त वीसीडी समझ रहे हैं सर। ये उनकी फाइल है सर। ए डीवीडी वीडियो टीवी शो। हाँ सर, ये उनके टीवी शो का वीडियो है। 407 यस सर। जाकर सबके लिए चाय लाओ। यस सर। अरे जा जल्दी। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ। ऐसी बात है तो एक काम करो, छुट्टी लेकर अपने बीवी बच्चों के साथ सैर करने चले जाओ। यस सर। नहीं सर, नहीं सर। बेकार खड़े रहने से अच्छा कॉफी लेकर आओ। ठीक है सर। सर मुझे तो उस राजा पे शक हो रहा है सर। नहीं शिवो, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप इतने भरोसे से कैसे कह सकते हैं सर? जिस तरह से खून हुआ है उस तरीके को देखकर। ऐसे कैसे सर? जिस तरह से उसकी जीप काटी गई उस हिसाब से सब पता चलता है। इसी तरह दीपा की जुबान ही इसमें अहम थी। वो कुछ ना बोल सके इसलिए पहले उसकी जीप काटी गई। दीपा अपनी जुबान से ही पैसा कमाती थी। हर बात के लिए उसे पैसा मिलता था। जैसे कुछ लोग अपनी ही गलती की सजा पाते हैं वैसे ही ये भी अपनी बातों के कारण मारी गई। सर कुछ समझा नहीं सर मैं। कुछ लोग बात करते हैं तो कितनी भी देर सुनने में हम लोगों का मन नहीं भरता है। कुछ शायरों की शायरी सुनने से हम खुद को भूल जाते हैं। उसी तरह दीपा की बात करने की क्षमता ही उसका हथियार था। सर बुरा मत मानिएगा, मैं अभी भी नहीं समझा। परेशान मत होइए, सब समझ में आ जाएगा। जहां तक मैं समझ रहा हूं वो खूनी यही कहीं है। उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, वो जल्द से जल्द मेरी गिरफ्त में आएगा। चलिए मेरे साथ। स्टॉप। टी शक्ति भवन। कॉफी उसका बड़ा भाई शराब ना भवन। ओके चलते हैं। चार सौ सात सर। चाय कहाँ है? सॉरी सर ठंडी हो गई सर। कॉफी भी ठंडी हो गई सर। सर इस चाय का क्या करूँ सर? इसके सिर पे डाल दो। ओके सर। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? इस कॉफी का क्या करना है ये पूछने जा रहा हूँ। मेरे मुंह पे डालने के लिए कहेंगे तो डाल दोगे क्या? ओके। मैंने पुलिस से एक सच्चाई छिपा दी लेकिन तब मुझे इसकी जरूरत नहीं लगी। उसका नाम राजेश है। ये क्या कह रही हो? इतना कुछ हो गया और तुमने पुलिस से ये बात छिपाई? कहीं राजेश ने ही तो तुम्हारी माँ का खून नहीं किया? तुम इससे कहाँ मिली थी बोलो? मैं इतना कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना। बोलते क्यों नहीं बोलो? केबिन कहाँ है? एमडी उनका कमरा यही है। आइए। एक्सक्यूज मी, इस कंपनी का अगला एमडी मैं ही हूँ और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझसे कह सकती हैं। ओके थैंक्स। वेलकम। अजय तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। वाह यार, क्या नाचते हो तुम। हाँ मुबारक हो। शुक्रिया। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, ऑफिस में एक मस्त लड़की आई है, बहुत सुंदर है। देखने में ना वो बिल्कुल हीरोइन जैसी लगती है। सही कह रहा है क्या? सच में यार, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ना वो लड़की वैसी नहीं है, वो किसी के हाथ नहीं आएगी। क्या बात कर रहे हो, इतना घमंड है उसे कि वो किसी के हाथ नहीं आने वाली है? वो घमंडी है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता। इतना जानता हूँ कि उसकी माँ टीवी कलाकार है
और अंतरात्मा प्रोग्राम के होस्ट द ग्रेट दीपा है ना, ये उसकी बेटी है। क्या कहा, टीवी कलाकार दीपा की बेटी है? यस। अरे यार, दीपा जब खुद ही अरबी घोड़ी की तरह है तो उसकी बेटी कैसी होगी? अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं तो उसे देख कर आ रहा हूँ, तुम उसकी पूरी डिटेल सुन लो। हाँ बोलो। लड़की का नाम है सुधा। अच्छा। उम्र है 21 साल और उसका पता है अडियार बोट क्लब नंबर 18। अच्छा। उसने इस कॉल सेंटर में पैसा कमाने के लिए ज्वाइन नहीं किया है, टाइम पास करने के लिए ज्वाइन किया है। खास बात, उसे आसानी से कोई लड़का पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे देख करके वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। अबे कुछ तो शर्म करो। जब वो पहले दिन काम पर आई थी तो सबसे पहले मुझसे ही बात की थी। अबे यार, इतनी जानकारी बहुत है, बाकी सब जो है मैं संभाल लूंगा। Yes, come in. Hello, uncle. Hey. Good morning. Very good morning. आ बेटी सुधा, तू काम पे आने वाली है ये सुन के मम्मी बताई तो बहुत ही खुशी होगी मने, पर तने काम करने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है अंकल, बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। तारी बात सही है, जिंदगी में अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैं तारी लगन की बहुत कदर करता हूँ। आ जा, तुझे स्टाफ से मिलवा दूँ। आ जा। आ कंपनी को मैं बड़ी मेहनत से खड़ा किया है। हाँ। मारा साथियों, आज सुधा है, आज से यह अठाई काम करेगी, आपके साथ काम करने वाली है, तो आप सब इसको कोऑपरेट करो प्लीज। ऑल द बेस्ट माय डियर, टेक केयर। हाय हाय हाय, आई एम निशा। हाय, आई एम सुधा। Hi, I'm Sapna. Sure, thank you. Hi, I'm Ishwari. Pleasure. Nice to meet you. Thanks. Hi, I'm Manjusha. Hi, nice meeting you. Thank you so much. Hi, I'm Guna. Hi. Hi, I'm Rajesh. I'm Sudha. जान खा रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? दो ही दिन हुए हैं आके और तुम्हें कोई पटाने की कोशिश कर रहा है? मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ, मेरी तरफ कोई देखता भी नहीं। अगर गुलाब का फूल हो तो सभी उसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं, लेकिन अगर गेंदे का फूल हो तो उसे कोई भी नहीं देखता, और तू बिल्कुल गुलाब जैसी है। एमडी कहाँ चले गए? कहीं वो कॉन्फ्रेंस रूम में तो नहीं है? ये लंगूर यहाँ पर क्यों नाच रहा है? ए रुक 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 रुक, बस कर बस कर बस कर बस कर, ए रुक ना। अच्छा, तुम और तेरी बहन सुबह सुबह यहाँ क्यों आ जाते हो? अंदर चल क्या रहे हैं? जब तुम्हारी बहन अंदर जाती है तो चमकते हुए पीतल के बर्तन जैसी होती है, लेकिन जब बाहर आती है तो पुरानी बाल्टी जैसी हो जाती है। और अगर एमडी को देखो तो वो पसीने में तर होता है, और तो और डरी हुई लोमड़ी की तरह सहमे हुए भी होते हैं। ऐसा लगता है जैसे चूहा बिल्ली के सामने हो। ए सच बताना, अंदर क्या चलता है? ए तू मेरा अच्छा दोस्त है, बता देना। मेरी दीदी योगा टीचर है, वो तुम्हारी एमडी को योगा सिखाती है। वाओ, बस इतना ही नहीं, इनकी उम्र के सभी लोगों को मेरी दीदी योगा सिखाती है। वाओ, मेरी दीदी से योगा सीखने से तुम्हें पता है गंगाधर भी शक्तिमान बन जाता है। समझ गए बॉस? तो सीख लो,
अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, मेरी खूबसूरती और जवानी का राज मेरी दीदी का योगी है। जब भी कोई लड़की देखो मेरे सर, अगली बार आऊंगी ना तब मैं आपको 64 मोमेंट अलग से सिखाऊंगी। पक्का पर भूल जा मत। ओके ओके श्योर सर। ओके ओके बाय। रहने दीजिए, पहले इन फाइलों पर साइन कर दीजिए और जब नहा लें तो फोन कर दीजिएगा, लेने के लिए आ जाऊंगा। कहीं ने खबर तो नहीं पड़ गई? इट्स ऑल राइट। बस में तो इन बुड्ढों ने बड़ा परेशान करके रखा है। सच में यार, बस में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबने परेशान करके रखा है। बिल्कुल पता नहीं कौन है यार, रोज एसएमएस करके परेशान करके रखा है, कॉल करने से फोन नहीं उठाता। अपने ऑफिस का स्टाफ तो नहीं है? जरा दिखाना, ये नंबर है क्या? हाँ यही नंबर तो है। लगता है अपने ही ऑफिस का कोई है। यार सिस्टम खराब था, तूने ठीक कर दिया क्या? हाँ वो तो कल ही कर दिया। तुम इस काम में माहिर हो भाई। सुधा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑफिस का नंबर अलग और पर्सनल नंबर अलग हो? और नहीं तो क्या, जैसे लोग डबल सिम कार्ड यूज करते हैं वैसे ही डबल गर्लफ्रेंड भी यूज करते हैं, इसीलिए कहा नहीं जा सकता कौन कैसा है। वो भले ही कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन मेरे हाथ आ ही जाएगा। जिस दिन मेरे हाथ आया ना। सुन रहे हो, तुम्हारे बारे में ही बात कर रही है, ये डायलॉग तो अक्सर तुम बोला करते हो ना। ए सुधा, मैं तुझे पाकर ही रहूंगा। साथ मेरे केबिन आ। तूने क्या किया है जाने है? ये बात उसकी माँ को पता चली तो क्या होगो? मैंने उसकी माँ की तस्वीर नहीं उतारी। अच्छा तो तू की माँ की तस्वीर उतारना चाहे तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ कोई खूबसूरत चीज की फोटो नहीं ले सकता क्या? उसी तरह मैंने भी ली। अरे यार आपकी उम्र हो गई है और मैं अभी जवान हूँ यार, समझा करो ना, थोड़ा एडजस्ट करो। तू जाने है किस बात कर रहे है तू? क्या आपको अपना नाम नहीं पता? आपको बताऊं क्या? हाँ आपका पूरा चरित्र पता है मुझे। अगर मैं चाहूँ तो तुझे काम से निकाल सकूँ। ओए मजाक कर रहा है क्या? क्या बोलकर तू मुझे काम से निकालेगा? हा? मैंने काम नहीं किया इसलिए, या मैंने टारगेट पूरा नहीं किया इसलिए? एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे है इसलिए मैं तुझे काम से निकाल सकूं हूं। सुपर है। हाँ। अब जो कहा ना वो बिल्कुल सही है। थैंक यू। तो इस हिसाब से मैं भी तुम्हें काम से निकाल सकता हूँ। कहीं बके है, मेरी कंपनी है। हेलो हेलो, काम से निकालने का मतलब काम से नहीं, पुलिस के हवाले कर दूंगा कह रहा हूँ। मैं कुछ समझो नहीं। तुम्हारी बीवी को पता नहीं है कि तू सुंदरी के साथ रात को मस्ती करके उसके साथ उठक बैठक करते हो और भूखते हो, कुछ नहीं पता? मैंने सब मोबाइल में शूट किया है, तेरी बीवी को दिखा दूं क्या? नहीं, नहीं। या पूरे स्टाफ को व्हाट्सएप कर दूं? कर दूं क्या? हाँ बोला। नहीं नहीं। अबे ठरकी, 60 साल की उम्र में तू खुद पर काबू नहीं रख सकता। 61 तो 20 की उम्र में मैं कैसे काबू रखूंगा यार, समझा करना यार तू। थोड़ो मुश्किल तो है। सुन बुढ़ाओ, अगर तू चाहता है कि बात बाहर ना जाए तो इस महीने से सैलरी जो है ना बढ़ा के दे देना, नहीं तो तेरी जो करतूते है ना। समझ गया ना? ए, तू विलेन को नहीं, अच्छा बनकर फिरे वाला बुरा आदमी है। आज शाम को तुम फ्री हो क्या? हाँ हूँ, क्यों? मेरे पास 2 टिकट है, फर्स्ट शो देखने चले? मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। क्यों यार, बताना अंदर क्या हुआ?
एमडी साहब फन कुचले सांप जैसे हो गए ना। सच्चाई बता दी। कैसी सच्चाई? ए, फिर से उसने मुझे फोटो सेंड किया। ए, या तो हाँ कह दे या तो फिर डांट दे। ए, तू भी ना, अगर वो मेरे हाथ आ गया ना तो देख लेना। ए, छोड़ ना यार, इस उम्र में तू नहीं करेगी तो फिर कब करेगी ये सब यार। हम सब ये कपड़े मेकअप पहनते हैं ये लड़कियों को दिखाने के लिए नहीं, लड़कों को दिखाने के लिए करते हैं। इसे कोई भी लड़की इनकार नहीं कर सकती, मैं तो नहीं कर सकती। लड़के मेरे पास देखे इसलिए तो मैं ड्रेसअप करती हूँ। मैं जो तनख्वाह लेती हूँ ना वो कपड़े और फोन पर ही खर्च हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं करूँगी तो रात भर मुझे नींद नहीं आती। एक बात सुन, तू 24 कैरेट खरा सोना ही सही और हम तांबे के बर्तन ही सही, क्या कर सकते हैं? अब तुम्हारी परेशानी क्या है तुम ही जानती हो। मैसेज करने वाला कौन है तुम उसे खरी खोटी सुनाना चाहती हो, बस इतना ही ना। उसके मैसेज के लिए ओके का एक मैसेज भेज दो, फिर देखना कैसे अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। बाय। Yes! Hi! Hi! शुरू कर दिया क्या? ये मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, कुछ बोलना। अब वो क्या है कि ये सब क्या है? सॉरी, इतने दिनों से तुम मुझे परेशान कर रहे हो। सॉरी, जस्ट फॉर फन यार, कूल। सुधा प्लीज, सब देख रहे हैं। ए, तू पागल हो गई क्या? मैं भी यही पूछ रही हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, प्यार हो गया? कितनी लड़कियों से प्यार करोगे? इस कंपनी में 3 साल से काम कर रहे हो, 8 लड़कियों को धोखा दे चुके हो। इससे पहले जहाँ काम करते थे वहाँ 5 लड़कियों को धोखा दे चुके हो और अब मेरी बारी है ना? मुझे क्या समझ के रखा है? सुनो, तुम यहाँ सैलरी के लिए नहीं अपने मजे के लिए काम कर रहे हो और यहाँ पूरे स्टाफ को ये लगता है कि तुम बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हो। तुम ना सिर्फ यहाँ पर काम करने के लिए नहीं, कुछ और इरादे से भी आते हो। उनकी फोटो खींचना, उन्हें धमकी देना, बिस्तर पर बुलाना और ना आने पर नेट पर डालने की धमकी देना। बस कर, मैं भी देख रहा हूँ कब से नाटक किया जा रही है। हा? बहुत लंबी जबान है तेरी, चुपचाप सुनते जा रहा हूँ, इसलिए जितना मर्जी आएगा बोलते जाएगी क्या? हा? क्या देख रही है? सब जानता हूँ मैं, जैसी माँ है ना वैसी ही बेटी है। वहाँ देखे तो तेरी माँ टीवी पर दिन भर भाषण देती रहती है और तू यहाँ पर सबके सामने मेरा कचरा कर रही है। हाँ, ये देख, इंसान को समझना चाहिए, कुछ भी बकना नहीं चाहिए। मैं बेकार में परेशान नहीं करता हूँ, समझी? है? पसंद है तो पसंद है कहो, वरना मना कर दो। इस दुनिया में सबको बहन की नजरों से नहीं देखते। दोबारा हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा तेरे। अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ मैं और बुरों के साथ बहुत बुरा। निकल निकल अठे से। ए, मैं तने ऑफिस से डिसमिस करूं। तू कौन होता है मुझे डिसमिस करने वाला? मैं ही जा रहा हूँ। और सुन ले, इस मिस को
जब तक अपनी मिसेस नहीं बनाता छोड़ूंगा नहीं इसे। बाय। अरे बाप रे, इतना कुछ हो गया और तुमने ये सारी बात मेरे भाई राजा को बता दी। चल मेरे साथ चल। मेरे भाई के आते ही मुझसे जो कुछ भी कहा है वो सब उसे बता देना। हेलो। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आप भरोसा कीजिए, यहाँ पर हम सब देख लेंगे। जनता की आवाज है ये मार्क करो। तू है कौन? थोड़ा पीछे। और चाहता क्या? हाँ यहीं पे। प्ले करो। हाँ, ये आपका ही डायलॉग है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। What do you mean? ये क्या बक रहा है? तुम्हारी इस वॉइस को थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं? ये सब पसंद नहीं है। ऐसा कहकर आजकल एक पूरी बेचने वाले के साथ घूम रही है तुम्हारी बेटी। स्टॉप। कौन हो और किससे बात कर? इस क्लिप को सेव कर लीजिए। ओके सर। और एक काम कीजिए, इसकी कॉपी मुझे मिल कर दीजिए। जी सर। ओके श्योर। थैंक यू मिस्टर जो। वेलकम सर। सर मुझे एक शक है सर। बोलिए। फोन पर ये जो आदमी बात कर रहा है, इसने तो खून नहीं किया। इसने खून नहीं किया होगा। अगर इसे खून करना होता तो ये दीपा का खून नहीं करता, उनकी बेटी सुधा का खून करता। आप क्या कह रहे हैं सर? वो सुधा से एक तरफा प्यार करता था। जब उसे सुधा नहीं मिली तो उसने दीपा से सुधा के बारे में फोन पर सब बता दिया। बस इतनी सी बात है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधा जिस लड़के से प्यार करती थी उस लड़के से और दीपा के बीच कुछ अनबन हो गई हो और ये खून हो गया हो सर? हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर ऐसी कोई बात थी तो सुधा हमसे कह सकती थी ना? हो सकता है हमसे छिपाया हो सर। नाइस पॉइंट। लेकिन उसने हमसे क्यों छुपाया? इस लड़की के बारे में पता करना होगा। ठीक है सर, चलो अगले प्लान के बारे में सोचते हैं। Okay,
दीदी। दीदी 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 कहाँ हो आप दीदी? दीदी 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 कहाँ चली गई?
भूलो बेटा। मैं पहुँच गई, यहाँ बस स्टॉप पर खड़ी हूँ। मैं बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तुम वहीं इंतजार करो। हाँ ठीक है नाना जी। हाय मेरी बच्ची। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? ठीक हूँ नाना जी, आप कैसे? तुम्हें बहुत याद करता हूँ। चलो आओ चलते। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवा दिया ना? कोई बात नहीं है नाना जी। चलो वापस चलो। बारह बज गए, अभी तक कोई नहीं आया। कोई आएगा नहीं तो धंधा कैसे चलेगा भाई? एसी लगाने से बिजली का बिल भी ज्यादा बढ़ गया है, ऊपर से चिकन टिक्का ज्यादा डाल दिया है। पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। ए जीवा, हाँ बोल ना यार। अरे कहाँ है, कहाँ घूम रहा है तू? रास्ते में हूँ यार, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। यहाँ बहुत भीड़ है यार। क्या अपनी दुकान में? काम करना। यहाँ आते समय ना कुछ मक्खियाँ लेकर के आ जाना। किस लिए? मारने के लिए। अबे जल्दी आना। बस बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। देखो कैसे चले आ रहे। ए, इतनी देर कहाँ लगा दी यार? डिलीवरी करने में लेट हो गई यार। अबे लड़कियाँ डिलीवरी करके इतनी जल्दी आ जाती है और तू इतना टाइम लगाता है? एक लगाऊंगा बस, देख फोन किसका है। हंटरवाज। यार मेरा फोन नहीं है, शायद तेरा होगा। अबे मेरा फोन अंदर है बे। अबे कहाँ से? अरे तेरे बैग से आ रही है आवाज। मेरे बैग से? अबे मस्त फोन है, जरा मुझे दिखा। अबे यार पता नहीं किसका फोन है, मजाक मत कर, देना मुझे एक सेकंड। हेलो कौन बोल रहे? हेलो मैं सुधा बोल रही हूँ। हेलो मैं सुधा बोल रही हूँ। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? प्लीज रिप्लाई लीजिए, वो फोन मेरा है। मैं वहाँ बस स्टैंड पर भूल गई थी। हेलो मजाक मत कीजिए। क्या आवाज़ है, बस बोलती रही है आप। बोलिए ना प्लीज। बोलिए ना, सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। क्या कहा? आपका नाम सुधा है। आप अपना फोन मेरी बाइक पे छोड़ के चली गई और आप कह रही हैं कि आपका फोन बस स्टैंड पे मिस हुआ। ठीक कहा ना? जब सब कुछ सुनाई दे रहा था तो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? ओ फोन चुराना चाहते हो क्या तुम? नहीं नहीं फोन को तो नहीं, लेकिन आपको। लट कर रहा है क्या बे? क्या कहा? मैडम मैं आपकी आवाज़ का दीवाना हो चुका हूँ। सच कह रहा हूँ मैं, कोयल की तरह आपकी आवाज़ है। हेलो मिस्टर, क्या तुम्हें पता है मेरी एज क्या है? मैं 40 साल। क्या रे, सांस ऐसे फुला रहे जैसे कोरोना हो गया है तुझे? अरे ये 40 साल की बुढ़िया है। क्या 40? अबे तब तो मेरे लिए ठीक है। अरे अरे रुक जा यार ना, बात करने दे। चल रख। हेलो मैडम, एक काम करिए, आप मुझसे मिलिए, मैं आपका फोन आपको दे दूंगा। अब आप हंस क्यों रही है मैडम? बहुत बढ़िया, 40 साल सुनते ही रिवर्स गियर डाल रहे हो। डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई 40 साल की नहीं, उसके लिए अभी 20 साल और बचे हैं। थैंक यू मैडम। किस लिए? आपने सच बोला इसलिए, और मैंने सुना है कि सच बोलने वाले बहुत खूबसूरत होते हैं। इसका मतलब आप भी खूबसूरत है ना? हाँ बस बस बहुत हो गया। ठीक है ठीक है, मैं यहाँ एक हफ्ते के लिए आई हूँ, मेरे नाना जी के घर पर रहूँगी। अच्छा, और वापस जाते समय मैं अपना फोन लूँगी, तब तक के लिए फोन अपने पास ही रखना, लेकिन हाँ फोन ऑफ रखना। क्यों फोन क्यों ऑफ रखूँ मैडम? मेरी माँ बहुत शक करती है मुझ पर, CBI से कम नहीं है वो। बेकार का पंगा क्यों लेना? अपना फोन नंबर मुझे दो, मैं जाते समय तुम्हें कॉल कर लूंगी। मैडम आप अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपका फोन वहाँ पहुँचा देता हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि फोन पर ही मेरी आवाज़ सुनकर आपको इतना अच्छा लग रहा है। अगर आप फोन देने आएंगे तो मुझे थैंक्स कहना होगा, और उसके बाद फिर हमारी दोस्ती हो जाएगी। और फिर इस दोस्ती को इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकती ना। तो क्या आप किसी से दोस्ती नहीं करती हैं क्या? ऐसी बात नहीं है,
मेरी माँ को ये सब पसंद नहीं है। मेरी दोस्ती सिर्फ लड़कियों से हो। वो ऐसा चाहती है। मैं 20 साल के बाद अपने नाना जी से मिल रही हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज आप अपना नंबर दीजिए ना, मैं नोट कर लेती हूँ। 8656 8617152 7152। ये क्या मैडम, आपके फोन पे फोन आ रहा है किसी का। अरे अरे, आप कोई भी फोन अटेंड मत करना, फौरन स्विच ऑफ कर दीजिए। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके मैडम, ओके ओके, थैंक यू। ए, कितनी देर तक बात कर रहा है तू? एक तो फोन मिस हो गया, उस पे किसकी बात कर रहा है, लड़की कौन है? अरे नहीं नहीं यार, आवाज इतनी अच्छी थी तो सोच लड़की कितनी सुंदर होगी। अच्छा, कोयल की आवाज भी सुंदर होती है लेकिन काली होती है बेचारी। मैं भी तेरे चक्कर में धूप में खड़ा होकर कल आ गया। अंदर चल, एक नंबर का लोफा हो गया, लड़की की शादी तो हुई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो फोन वापस कर देगा? ऐसी बात नहीं है, फोन पर उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा कि वो अच्छा लड़का है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। बस इतना ही नहीं, उससे बात करके ऐसा लगा जैसे मैं उसे सालों से जानती हूँ। संभल कर हा? उसके विश्वास को देखकर तुम उससे प्यार करती हो ऐसा मत कह देना। आरती ले लीजिए। अर्चना करानी है, हाँ दीजिए। क्या बात है वेंकी, तुम्हारी शक्ल मंकी जैसी होती जा रही है। मेरा नाम वेंकटेश है, उसे पूरा क्यों नहीं कहता है तू? 50% की छूट लगा के वेंकी कह रहा है, पब्लिक है पब्लिक, सोच समझ कर बात किया कर। बैंकॉक जाके खुद की नंगी पुंगी फोटो डाली थी तब पब्लिक याद नहीं आई? अरे बकवास बंद कर अपनी, किसकी पूजा करानी है? मुझे ये इस मोबाइल की। क्या कहा, मोबाइल की? कहीं ये तुम्हारा फोन तो नहीं? 3G नमः, 4G नमः, आने वाला 5G नमः। ओम शिवाय नमः नमः, ओम शिवाय नमः नमः, ओम शिवाय नमः नमः, ओम शिवाय नमः नमः, ओम शिवाय नमः नमः। पकड़ो इसे, लगता है नया फोन है ये। क्यों स्वाहा करने की सोच रहा था? भाई से पंडित जी, ये मोबाइल मुझे बस स्टॉप पे मिला था, कोई लड़की मेरे बाइक पे छोड़ के चली गई। वेंकी, अब ये फोन करने वाले मिस को अपनी मिसेज बनाना चाह रहा है। वो सब ठीक है, फोन उठाने वाली लड़की हुई तो ठीक है, कहीं औरत हुई तो? तो प्रसाद की तरह तुम्हें हवाले करके हम निकल लेंगे। क्या बकर बकर करते रहते हो, मेरी टांग खींचने में मजा आता है क्या? यार पंडित जी, उस लड़की ने कहा है कि वो यहाँ घूमने के लिए आई है और जब वो वापस जाएगी तो ये फोन ले जाएगी, तब तक मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा। तो फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शिवजी से कोई ऐसी पूजा करिए कि वो लड़की इस शहर को छोड़ के कभी जाए ही ना, परमानेंटली यहाँ बस जाए। इतना ही नहीं पंडित जी, वो लड़की मुझसे रोज फोन पे बात करे, जिससे मैं उससे बात करके अपने प्यार को आगे बढ़ा सकूं। ये ऐसा वैसा लड़का नहीं है, सारे लड़कों से हटकर है। हे भगवान, कैसा कलयुग आ गया है, अब तो तुम्हें ही बचाना होगा। देख भाई, वो लड़की सुंदर हो इसके लिए 100 लोगों को अन्नदान करो और तुम्हारे साथ मुझे भी खूबसूरत लड़की मिले, मैंने जीव में शूल चुबाने की मन्नत मांगी है। लेकिन भाई, ऐसा करने से तो बहुत दर्द होगा ना, तो फिर ऐसा क्यों करना चाहते? देख ये मन्नत पूरी होगी, चल अभी। अरे चल ना अभी, चल ना, चल चल चल। देखा सुधा, तू खूबसूरत है इसलिए ये लोग 100 लोगों को अन्नदान करने वाले हैं। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ कल देखते हैं, अभी चलते हैं। देखो बेटी, अब तुम उस घर जा रही हो, उसे अपना ही घर समझना, ठीक है? और उन लोगों के साथ अपने माँ पिता जैसा ही व्यवहार करना, हमारा नाम रोशन करना बेटी। अरे फोन उठाओ ना। अच्छे से रहना। हेलो। ए सुधा, 2 दिनों से तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, क्यों? ऐसी बात नहीं है माँ, मेरा फोन बस स्टॉप पर खो गया था। तुमसे एक फोन भी संभाला नहीं जाता क्या? सॉरी माँ, पता नहीं कैसे गलती से हो गया, सॉरी। ठीक है चल, माफ किया। ठीक है, हर बात के लिए रोना शुरू कर देती है। तेरे नाना कहाँ है, मतलब मेरा बाप? नाना जी मुझे देखते ही रोने लगे, लेकिन वो आज भी तुमसे बहुत नाराज हैं। हाँ माँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे उससे क्या। एक बात याद रखना, मैं अकेली हूँ, जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ, ये मत सोचना, नहीं तो शहर के सारे मवाली तेरे पीछे पड़ जाएंगे, बत्ती से दिखाते हुए आ जाएंगे, समझ गई? लव करते हैं कहेंगे, लेकिन तूने ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना, ओके?
ओके माँ। माँ नाना जी पास में ही है, बात करोगी क्या? समय आने पर मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। ठीक है, बाय। क्या हुआ, बात करने से मना कर दिया क्या? कोई बात नहीं, जाने दो। एक लफंगे से शादी करके भाग गई थी, वो है कौन? उसकी जात क्या है, धर्म क्या है, कुछ पता नहीं था। मेरी मान मर्यादा सब बर्बाद हो। कितनी मेहनत से इज्जत कमाई थी, जरा सा अपमान नहीं सह सकता था। लेकिन अब देखो, इतना सब सहकर भी अभी तक जिंदा हूं ना, तो सब भगवान की कृपा है। सिर्फ तेरे लिए जिंदा हूं बेटी, तेरी शक्ल देखकर ही जी रहा हूं। बेटी तेरी शक्ल मुझे बिल्कुल तेरी नानी जैसी दिखती है, तुझे देखकर मुझे उसकी याद आ जाती है। मैं थोड़ा गुस्से वाला जरूर हूं, पर मुझे माफ कर देना बेटी। अबे छोड़। अबे क्या कर रहा है यार, अबे तुझे शर्म नहीं आती क्या? बच्चों की तरह नारियल खाता है तू। ए, तुझे पता नहीं है इस तरह नारियल खाने वाले बहुत से लोग एमएलए बन गए और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तू भी लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है तो उठा के नारियल खा। ले। अबे मुंह खोल ना। अच्छा ये बता, मन की शांति के लिए मंदिर आए थे ना, तो तू यहाँ आकर के टेंशन में क्यों है? तू इस लड़की से बात करना चाहता है कि नहीं? ये ले फोन ऑन कर। अबे पहले फोन तो ऑन करना भाई। अरे नहीं यार, मैंने उसका फोन ऑन किया और उसकी माँ का फोन आ गया। तो अबे फोन ऑन करके नॉट रीचेबल पे डाल दे और गैलरी में जाके देख ले वो लड़की कैसी लगती है। तू भी ना, उस लड़की को देखा नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनकर उसका दीवाना हुआ पड़ा है। कहीं वो लड़की फोन लेने के लिए अपने पति और बच्चों के साथ आए और आकर तेरी धुलाई कर दे, तब क्या करेगा? क्या कह रहा है तू यार, मुझे तो डर लग रहा है। तू सही कह रहा है क्या यार? इसका मतलब ये है कि तू फोन ऑन नहीं करेगा? देख ले रहा, वो 60 साल की बुढ़िया होगी, वो चुपचाप आएगी, अपना फोन लेगी और तुझे टाटा करके निकल जाएगी बेटा। और तू दाढ़ी बना के देवदास की तरह घूमते रहना, एक दूंगा ना बेटा। फोन दे, दे फोन। सही है, फोन तो एक नंबर है यार। ओए, लगता है इसने इसका वीडियो नहीं देखा। क्या मस्त लड़की है। लड़की तो इतनी सुंदर है कि ये क्या, अबे क्या हुआ यार? हो जाए, लग रहा है कहीं मैं भी ना इसका दीवाना हो जाऊं। मेरे भाई अपने दिल पे काबू रख यार। क्या हुआ यार? तू बस अपने दिल पे काबू रख मेरे भाई, तेरा मुंह ऐसा क्यों हो गया है याद में उसकी। मेरे भाई सोच रहा हूँ लड़की की शक्ल इसे दिखाई दूं। तू खुद ही देख ले भाई अपनी आंखों से। यस। ओ भाई, ओए, बहुत देख लिया, उस लड़की का लैंडलाइन नंबर दे। 452-8-5-5-2-5। क्या बात है, अब अपनी दुकान का नंबर बोल। अरे यार फंटर कहीं का, इसका नंबर एक बार में याद हो गया, दुकान का नंबर आज तक याद नहीं है। इस लड़की का पता निकालते हैं और चल के उससे मिलते हैं। ओके ओके ओके, थैंक यू। चल आजा आजा, समोसे खाएंगे। हे क्या हुआ यार? अरे काम हो गया भाई। सच में? तुमने 200 दिए थे ना, अंदर 500 रुपए ले लिया यार। अगले महीने नाना से बोल के 1000 रुपए दिलवाना मुझे। यार मैंने तो तुम्हें 200 रुपए दिए थे। ठीक है ठीक है, कूल यार, चल 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 यार। सच में तू कमाल है भाई। आज तो बड़ी देर कर दी। मतलब? रोज जल्दी आ जाती हो, आज देर हो गई इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनिए पंडित जी, ये यहाँ नई आई है और कल ही पहली बार मंदिर आई है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे आप इसे बहुत दिनों से जानते हैं, बोलिए। वो... अच्छा यहाँ आज किसी ने अन्नदान किया था क्या? अन्नदान किया था ना, दो लोगों ने, एक का नाम मदन था पर देखने में कुछ खास नहीं था, दूसरे का नाम जीवा था पर देखने में बहुत सुंदर था। पंडित जी मैंने बस इतना पूछा, अन्नदान किया या नहीं? किया था ना, 100 लोग खा कर गए और सब लोगों ने उन दोनों लड़कों को बहुत आशीर्वाद दिया और साथ में किसी लड़की को भी आशीर्वाद दिया। क्या, लड़की को? हाँ, वो लड़का हर सांस में हर बात में उस लड़की के बारे में ही बात करता था और वो दूसरा लड़का उस लड़की की सहेली के बारे में ही बात करता था। आपको विश्वास नहीं हो रहा है? तो ये देखो, उन्होंने मुझे भी दान किया है, सांभर इडली और साथ में हलवा पूरी भी। खाए जाओ प्रभु के गुण गाए जाओ। तुम क्यों शक कर रही हो? एक काम करो, उसे फोन लगाओ और बातों बातों में पूछ लो, वो तुम्हें जरूर बता देगा। ठीक है चलो चलते हैं।
बस भाई रोक 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 रोक। अरे क्या हो गया यार? भाई तू यहाँ पे रोकने को क्यों बोल रहा है? लंगर बट रहा है ना वही खाने के लिए। लड़की का घर है ये। अरे यार हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। वोटर आईडी की जानकारी लेने हैं ये बोल करके अंदर घुस जा। यार उसने घर आने को मना किया था, हमने घर देख लिया ना। अब चल यहाँ से चलते हैं यार। चल अब घर दिखा दिया ना, चल मेरा कमीशन निकाल, मारूंगा एक बार। तू भी ना क्या, इतनी मुश्किल से पता निकाला है पता है तुझे है? अरे यार प्लीज रुक जा, क्यों गुस्सा क्यों हो रहा है? अरे सुन तो सही। अरे मत जा यार। अरे यार अरे यार रुक जा ना। अरे अबे तू कभी सुखी नहीं रहेगा। अबे फ्री कॉल का मतलब ये थोड़ी होता है कि दिन रात बात करता रहे। गर्म होके इसका फोन भी नहीं फटता। भगवान भी ना पापियों का ही साथ देते हैं। अरे बाप रे। अरे कमर क्यों चल रही है? बुखार तो नहीं हो गया? ये क्या रात को सूरज निकला है? समझ में नहीं आ रहा है इंडिया में हूँ कि लंदन में हूँ मैं। लगता है मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। 11:30। अरे बाप रे, इसका मतलब रात को 11:30 बजे बात करना शुरू किया और अभी 11:30 बजे सुबह तक बात कर रहा है। पागल हो गया ये, मुझे भी पागल कर देगा। इस समय दुकान गया तो बुड्ढा मुझे जान से मार देगा। ए, जाते मुझे सुनाना शुरू कर देगा कि आज मैं इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलने के पहले सड़क पे समोसे बेचता था। आगे बढ़ने के लिए आदमी को बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। भूख लग रही है बोलने पर पाव के 2 टुकड़े करके बीच में धनिया पत्ती डाल के बर्गर बोल के दे देता है। भगवान अभी क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तू होटल चला दे, मैं जाके नहा लेता हूँ, उसके बाद तू नहाना। अब चुप कर वरना चप्पल से मारूंगा नालायक। ये क्या नीचे पानी गिरने की आवाज आ रही है? नहाने तो नहीं चला गया? देखता हूँ मैं भी कैसे नहाता है वो, अभी बताता हूँ।
क्या हो गया है? अबे तेरी तो तू था, तुझे तो मैं तन... हेलो सुधा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जानते हो मैंने आपको फोन क्यों किया? क्या हुआ, आप वापस जा रही हैं क्या? क्यों, तुम चाहते हो कि मैं वापस चली जाऊं? या मैं बार बार फोन करती हूं इसलिए तंग आ गए हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके फोन का तो मैं 24 घंटा इंतजार करता रहता हूं। कभी कभी तो डर लगता है कि कहीं मैं आपका फोन ना उठा पाया तो क्या होगा। अरे मैडम आप हंस क्यों रही हैं? अच्छा ये सब बात छोड़िए, आप कह रही थी कि आपको कुछ कहना है, बताइए ना क्या कहना चाहती हैं? वो ना कल मेरा ना हाँ बर्थडे है। वाओ क्या बात है सुधा, एडवांस हैप्पी बर्थडे सुधा। थैंक्स। अरे ये क्या, सिर्फ थैंक्स ही बोल रही हैं आप? हाँ तो तुमने भी तो बस मुझे बधाई दी, अब इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? आपने ही तो मुझे मिलने से मना किया है। अगर आप मिलती तो मैं आपको जबरदस्त ट्रीट देता। सच कह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, सामने आ गई तो क्या करोगे? मैडम एक बार आप हाँ कह के तो देखिए, आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। ठीक है फिर मिलते हैं। क्या आप मुझसे मिलने वाली हैं? सच बताइए आप मुझसे मिलने वाली हैं? हाँ मैं सच कह रही हूँ। ठीक है आप अपने घर का एड्रेस दीजिए। हेलो मुझे पता है, फोन नंबर से मेरे नाना के घर का पता निकाल लिया है आपने। सब जानती हूँ मैं उस दिन छत से सब कुछ देख रही थी। लेकिन तुम बहुत अच्छे हो। क्या कह रही हैं आप? एड्रेस पता लगाने के बाद भी यहाँ नहीं आए इसलिए। देखिएगा कल मैं आपके घर आ रहा हूँ, तब आप बताइएगा कि मैं कैसा हूँ। आओ देखते हैं। यस, ओ मेरे भाई कहाँ है तू? इसका मतलब है कि वो कल आने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे आशिक के साथ एक बंदा और भी है जो कल आने वाला है? यही तो मैं तुमसे कहने आई हूँ। सिगरेट के बक्से पर कैंसर होने से गले में छेद हो जाता है तस्वीर छाप रखी है, ये सब देखने के बाद भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ मैं सिगरेट। क्या करूँ, देखता हूँ। अरे अभी जलाया नहीं, आड़िया 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 आड़िया, अरे मैंने बोला ना जलाया नहीं है। हट 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 हट, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हट जा हट जा हट जा। अरे भाई, अरे मेरी बात सुन यार। अबे क्या हुआ, नाना आ गया क्या? वो बात नहीं है यार। अबे तेरे चक्कर में मेरी पूरी सिगरेट खराब हो गई, बदमाश कहेगा। बोल अच्छा भाई, उस लड़की ने मुझे अपने घर बुलाया है। उस लड़की ने घर बुलाया? बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। एक काम कर तू दुकान जा, मैं वहाँ जाता हूँ। अबे उसने मुझे बुलाया है। अबे मेरी जान भी वहीं रहती है। अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है, आइडिया सही है ना? लेकिन उसके नाना जी का क्या? अबे रात को बोतल ले जाके पकड़ा देंगे, सही हो जाएगा। ए, वो पीते वीते नहीं है। क्या कहा? अबे रोज रात को पानी पूरी क्यों खाते हैं जानते हो? क्यों? उन पूरियों में छेद करके उसमें शराब डाल के पूरा गटक जाते हैं बेटा, तुझे क्या पता? क्या बात कर रहे हैं, इस तरीके से नाना जी पीते हैं? और क्या। तो हम लोग पानी पूरी खाएं क्या? चप्पल खाएगा लफाड़िया, चल वापस आने के बाद खाएंगे। हाँ, ठीक है, चल, 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 चल। पूनम बेटी। हाँ नाना जी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा कॉफी देना। ठीक है नाना जी। ये देख मेरी जान यही है, आजा 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 आजा। तू कॉफी प्लीज। यहाँ क्यों आए हो, कोई देख लेगा? बाहुबली 3 जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी साथ लेके जाए। नाना जी देख लेंगे तुम्हें, उसी बात में रिश्ता भी पक्का हो जाएगा अपना। ऐसे में भी तुम मजाक कर रहे हो? अरे वाह, मान लिया इस तरह की मजाक था। नाना जी ने अगर देख लिया ना तो मुसीबत आ जाएगी। जीवा वो जरा गोली निकाल। ये लो भाई। सुन
इस गोली को कॉफी में मिलाकर दादाजी को दे दो, दो मिनट में उल्टे हो जाएंगे। मैं खून नहीं करूंगी। अबे बात तो सुन, अपनी पेलती रहती है। देख इसे जो है मेरे कप में मत मिलाना, वरना मेरा आना बेकार हो जाएगा। देख मेरा दोस्त भी अपनी वाली को देखकर यहाँ आएगा और फिर हम दोनों मस्ती करेंगे। अरे भाई कंट्रोल कंट्रोल, यही करेगा क्या? अबे देख ना मैं भी तेरे साथ हूँ। अरे तू घबरा क्यों रहा है, मैं काम बनाता हूँ ना तेरा। तू भी ना चल। जैसा मैंने बोला है वैसा ही करा, मुझसे रानी जाओ यार। जल्दी कर जल्दी। अरे भाई घबरा मत, अपना काम हो जाएगा ना। ये कॉफी पीने के बाद नाना जी को उठने में 3-4 घंटे लगेंगे, तब तक अपन आराम से जो दिल में आएगा वो करेंगे, ठीक है ना? बड़े मुश्किल से प्लान बनाया है, तू बीच में डिस्टर्ब मत कर, समझा? जितना बोल रहा हूँ सुनता जा। तू तो सीधा साधा आदमी है, तुझे तो कुछ समझ में आता नहीं है बेटा। लड़की पटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तू क्या जाने अभी। अरे जल्दी दो, बहुत सर दर्द हो रहा है मेरा। अरे ये क्या कर रही है तू, ये तो गोली वाली है, मैं ही उल्टा हो जाता। जा 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 आ जा आ जा आ जा मेरे पीछे आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा तुझे खेल नाना जी, पी लो नाना जी, पी लो। ये लो बेटी, मुझे ये चक्कर क्यों आ रहा है? आए मेरी जान, तूने तो अबे मैं तू बीच में कहाँ रहा है? देरी वाली ऊपर है, जा उसके पास जा। लंपट आया जब मेरी जान पूरे करे अरमान। नाना नाना जी। अरे नाना जी चले गए क्या? नाना जी सपने में चले गए, चलो मस्ती करते हैं, चल 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 चल। डैडी मम्मी घर पे नहीं, नाना जी होश में नहीं, मस्ती है मस्ती मेरी जान मस्ती। तुमने ही तो कहा था आने के लिए, तो फिर मैं आ गया। अरे नाना जी देख लेंगे। अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, तुम्हारे नाना जी फ्लैट हो गए हैं। ओहो हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। खुश रहो बेटी, मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ बेटी। रहने दीजिए ना नाना जी, उसकी जरूरत नहीं है, आप अपना ख्याल रखिए, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। आप मेरी चिंता मत करिए, मैं पहुँच के आपको फोन करूंगी। ठीक है बेटी, तुम्हें देखने के बाद ही मुझे जीने का मकसद मिला है। अब जल्दी से तेरी शादी हो जाए और तेरे बच्चों को अपनी गोद में खिला लूं तो मेरी आत्मा को शांति मिले। अब चलें बेटी, चल। पूनम नाना जी का ख्याल रखना। हाँ हाँ सर। नमस्ते सर, लाइए। सुनो तुम्हें कभी देखा नहीं। काफी दूर से चला रहा हूँ सर। देखने से तुम ऑटो ड्राइवर तो नहीं लगते। कौन? मैं बहुत दूर से आया हूँ सर। कितनी दूर? सिंगापुर सर। मजाक कर रहे हो? बैठो बेटी, बैठिए बैठिए बैठिए। ऑटो संभाल कर चलाना, समझे? ठीक है ठीक है। ओके नाना जी, बस में बैठते ही मुझे फोन करना। बाय। क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? अरे गाड़ी चला रहा हूँ यार। अरे Jump!
हट जाओ। जीवा प्लीज मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। हट जाओ, हट जाओ सुधा, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जाने दो उसे। हे ब्रो, तेरी जानू के लिए ही ये फाइट हुआ। मैं कौन हूँ ये उसी से पूछ। बहुत अच्छा फाइट करता है तू। तेरे मास्टर को ना मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। जा। सुधा, उसने तुम्हारे ऊपर अटैक क्यों किया था? उसका नाम राजेश है। मैं और वो एक ही ऑफिस में काम करते थे तब। फिर मैं उससे कभी नहीं मिली। अक्सर फोन आता था लेकिन मैं अटेंड नहीं करती थी। मैसेज भी करता था, मैं रिप्लाई नहीं करती थी। ऑफिस में उसने मुझे परेशान किया था, इसी वजह से उसे जॉब से निकाल दिया था। पता नहीं उसके बाद भी वो मुझे कॉल मैसेज क्यों करता था। शायद तुमसे प्यार करता हो वो। मुझे क्या पता, लेकिन मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लगी। क्या जीवा, कहाँ है इस समय? तूने अपने प्यार के बारे में सुधा से बोल दिया? यार अभी तो मैंने नहीं बोला है। इतनी देर क्यों कर रहा है? लड़की हाथ से निकल गई तो? अरे यार वो क्या है कि यार तू भी ना, जल्दी बोल ना। हाँ यार बस बोलने ही वाला हूँ मैं, बस बोलने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुपर सुपर। अब जल्दी से आके मेरे को पार्टी दे। ठीक है भाई। हेलो। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। आप पर भरोसा करके मैं फोन कर रहा हूँ। आपको मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा और मेरी फीलिंग आप ही समझ सकती हैं। तू है कौन और चाहता क्या है? हाँ, आपको सुनने में खुशी होगी जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। आपकी बेटी से ना मुझे शादी करनी है। What do you mean? ये क्या बकरा है? मैडम मैंने अभी शुरू भी नहीं किया, बकना तो आप शुरू करूंगा। चल बक। अरे मैडम, मेरे प्यार को तुम्हारी बेटी नहीं समझ पाई तो तुम क्या समझोगी? हाँ, तुम कौन हो और किससे बात कर रहे हो जानते हो? अरे ये क्या चल रहा है, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ? मैं एंटी हीरो हूँ, शॉर्ट में विलन। तुम्हारी बेटी कहती है कि मुझसे प्यार नहीं करेगी, माँ को ये सब पसंद नहीं है और सॉरी कह दिया, और अब देखो तो ब्रेड बेचने वाले आदमी के साथ घूम रही है। What? अब तुम सोचो जब वो दोनों मिलकर पाव बेचेंगे ना तो तुम्हारे इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ेगी, सोचो जरा। पूरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। फिलहाल टीवी पर तुम मशहूर हो, आगे से वो दोनों मशहूर हो जाएंगे। अब तेरी बेटी की इज्जत ना तेरे हाथ में है। लूटने से पहले बचा ले। ए, तू मेरे हाथ आया ना तो तुझे। ए, मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा? अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तेरी बेटी और उस लड़के की फोटोज व्हाट्सएप कर रहा हूँ, देख लेना अच्छे से, फिर सोचना क्या करना है। ठीक है, देख लेना। हाँ। अब तू गई काम से। बताती हूँ इसे। जो चीजें मैं पीता नहीं वही रखते हैं यहाँ पे, चलता है। हाँ? लो भाई, ये कौन आ गया देखता हूँ। गुड मॉर्निंग, क्या चाहिए आपको मैडम? कहाँ है वो?
कौन हो तुम? ओ, तो तुम हो यहाँ के मालिक? इस पर हाथ क्यों उठाया? ए बुढ़ाओ, तुमसे बात करके मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, समझे? तुम्हारा पोता कहाँ है? उससे क्या काम है? हैं? रिश्ते की बात करने आई हूँ। जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं, पोते को आवारे करने के लिए छोड़ दिया, किसी अमीर लड़की को पटा कर अपनी बेकरी डेवलप करना चाहते हो क्या? आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? आप साफ साफ बोलिए ना। बकवास बंद करो। अब मैं तो नो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब मेरी बेटी यहीं पर है। ए, सुटके सुठा कर गाड़ी में रख, चल जाना। अच्छा, तो तू ही है वो प्रेमदूत जो उसकी मदद कर रहा है ना? सबसे पहले उसकी खबर लेती हूँ और फिर मैं तुझे बताती हूँ। हे, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम लोग 10 मिनट में बस स्टॉप पर होंगे। अच्छा ये बताओ, तुम वहाँ जाने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं अगले ही दिन वहाँ पहुँच जाऊँगा, तब मुझे कुछ मत कहना। ये कौन है? बीच सड़क पे गाड़ी क्यों खड़ी की है? था कि माँ 8 गंज फांती है तो बेटी 16 गंज, लेकिन आज देख भी लिया। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि ये प्यार व्यार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस उम्र में ये बीमारी तो हो ही जाती है, लेकिन किसी ने भी इस बीमारी का पता नहीं लगाया आज तक, लेकिन मेरे पास इलाज है। आंटी, ये नौटंकी मेरे सामने करेगा ना तो 2 खींच के लगाऊंगी। मुझे पूछने वाला भी यहाँ कोई नहीं है, समझे लफंगे? तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? ए सड़क छाप, 10x10 की दुकान में 4 बेड और 4 बिस्कुट बेचने वाले भिखारी तू, तेरी औकात क्या है जो तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? तू इसे प्यार से रख पाएगा? ए, तू जो 4 पैसे कमाता है उससे खुद तेरा ही खर्चा निकलता है क्या? तुझ पर प्यार का भूत सवार हो गया है। ए, इसका पीछा करते हुए मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। दाढ़ी मुझ बढ़ा कर मुँह लटका कर अगर दिखाई दिया, लेट से हाथ काटने का ड्रामा किया तो याद रखना, मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना। अगर मिलने की कोशिश की ना तो मैं तुझे वहीं पर जिंदा गाड़ दूंगी, समझा देती हूँ। चल गाड़ी में बैठ, चल चल जा अंदर, जा खाना। चल अंदर। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत पड़ गई? तू मेरे बारे में जानती है ना, फिर भी तू उसी रास्ते पर जाने की सोच रही है? तू जानती है वो कौन है? उस डबल रोटी बेचने वाले लड़के से इश्क लड़ा रही है तू? आगे से अगर तू उससे मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पहले ये सब अच्छा लगता है, लेकिन खुद पर काबू रखना सीखो, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी तेरी। चल बता, सिर्फ बातचीत ही होती है तुम दोनों के बीच या फिर उससे बढ़कर कुछ हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है माँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे पीछे एक लड़का ऐसे ही पड़ गया था, मैं भी तुझ जैसी दीवानी हो गई और मेरी नजर में वो मेरे लिए रजनीकांत बन गया था। मैं खुद को श्रीदेवी समझने लगी, उसने जो जाल बिछाया था ना मैं उसमें फंस गई और उसके बाद मेरे पेट में तू आ गई। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, मैं रोई चिल्लाई चीखी लेकिन मैं उसका पता नहीं लगा पाई। मैं तुझे मार नहीं सकी और खुद को भी नहीं, क्योंकि तू मेरे पेट में थी। तुझे लेकर मैं इस शहर में आ गई, मेरे पिताजी ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, मैंने भी उन्हें जोर नहीं दिया। तुझे लेकर मैं इस शहर में आ गई, आज मैं यहाँ तक आकर पहुँच गई हूँ। एक बात याद रखना, मुझे धोखा देकर उसके साथ भागने की कोशिश की ना तो
उससे छुटकारा पाकर जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच। जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, वो है पैसा। पैसा 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 पैसा, सिर्फ पैसा ही है इस दुनिया में और कुछ नहीं, समझी तू? सिर्फ पैसे के बारे में सोच, चल जा। हे जीवा, तेरी शामत आई है, सुधा की माँ इधर आई थी आज। क्या बात कर रहे हो? अरे वो डिलीवरी देने में इतनी देर क्यों लगा दी तूने? वो हे सुधा की गुस्सेल माँ इधर आई थी बे। भाई अपने बारे में सब कुछ पता चल गया, सारी पोल खुल गई यार अपनी, क्या करें अभी हम लोग? मुझे भी एक थप्पड़ मारा, ये सब देख करके नाना जी बहुत डर गए थे। सुधा को भी उल्टे सीधे बोल रही थी, एकदम विलन लगती है यार। मन तो यही करता है कि जहाँ कहीं मिले मुंह नोच लूं उसका। नाना जी आ रहे हैं, संभल के। भाई एक काम कर, वो जो डिलीवरी की रसीद है ना वो तू लगा देना और सारा हिसाब पक्का कर देना, ठीक है ना? पक्का। सॉरी नाना जी। बेटा नसीब के आगे किसी का बस नहीं चलता। मेरी बात सुनो बेटा, अभी जो औरत यहाँ आई थी उससे तुम्हारा पुराना रिश्ता है, वो अनजान नहीं है। मैंने तुमसे पिछले 22 साल से एक बात छिपाई थी, लेकिन किस्मत चाहती थी कि वो बात मैं तुम्हें बताऊं, इसलिए शायद वो औरत यहाँ आई और मुझे ये सब बताना पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? सच कहूं तो तुम मेरे पोते नहीं हो। हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपना नहीं मानता। मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन? एक रात जब मैं अपनी साइकिल पर चाय बेचकर वापस जा रहा था, तब मैंने तुम्हें रास्ते में देखा। जानते हो उस रात क्या हुआ था? बहुत रात हो गई थी, सब लोग सो चुके थे, मैं वापस घर लौट रहा था। तुम मेरे घर के बाहर खड़े रो रहे थे, तुम अकेले थे। मैंने आसपास चारों तरफ देखा पर कोई नहीं था। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, एक मासूम बच्चा इतनी रात को अकेला। सोचकर मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया। तुम्हारे हाथ में एक कागज था, उसे पढ़कर देखा तो पता चला तुम कौन हो। उस दिन से तुम्हें अपने पोता मानकर अपने साथ रख लिया। यही वो लेटर है, पढ़ लो। सच बोलिए और जोर से बोलिए, ये जनता का कार्यक्रम है, यहाँ आत्मा की आवाज ही गवाह है। विश्वास के साथ आइए, हम आपके साथ हैं। हमारे पास बहुत से लोग समस्या लेकर आते हैं, हम उनका समाधान करते हैं। आज वैसे ही हमारे यहाँ एक दुखी महिला आई हुई है, हम उसे बुलाते हैं। आओ बहन, बैठो बैठो ना, सिट। अपना नाम बताओ। मेरा नाम सीमा है, मैं यहाँ बहुत उम्मीद से आई हूँ। ये आपका बच्चा है? हाँ मैडम, ये मेरा बेटा है। क्या आपने धर्म परिवर्तन किया है? नहीं मैडम, मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती क्योंकि इससे हम दोनों की जान को खतरा है। किससे खतरा है तुम्हें? मेरे पति है मैडम। साफ साफ बताओगी तो अच्छा होगा। बताती हूँ मैडम, 2 साल पहले मैंने घर वालों से छिपा कर शादी कर ली थी लेकिन मेरे पति मुझे धोखा देकर चले गए। तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने कंप्यूटर साइंस किया है मैडम। मेरी दोस्ती राम से हुई थी और हम दोनों को प्यार हो गया था। कौन है ये राम? वो यहाँ के एमपी का बेटा है मैडम, उसी ने मुझे धोखा दिया है मैडम। ओके। मुझसे शादी करके धोखा देकर चला गया, अब मैं क्या करूँ? मेरा एक बच्चा भी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनो, अब तुम यहाँ पर आ गई हो ना, अब रो मत, हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कॉलेज में मेरे पीछे पड़ा रहता था, मैंने उससे बहुत कहा कि मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं है लेकिन मेरे पीछे पड़ा रहता था, कहता था अगर मैं नहीं मिली तो वो मर जाएगा। लेकिन अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैडम। ठीक है, रो मत, आगे क्या हुआ बताओ मुझे। फिर मैं भी उससे प्यार करने लगी मैडम, हम एक दूसरे से हर जगह मिलने लगे, हम साथ साथ घूमा करते थे मैडम। फिर एक दिन मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैंने ये बात उससे बताई तो
उसने बच्चा गिराने के लिए कहा मैडम, और मैंने इस बात से इनकार कर दिया। क्या उसके बाद तुम राम से कभी नहीं मिली? नहीं मैडम, मैंने उससे बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला, और आखिर में पता चला कि वो लंदन में है। ओह, अच्छा लंदन में उससे तुम्हारी बात हुई? बात हुई मैडम, मैंने उससे कहा कि मेरा एक बच्चा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैंने उससे कहा कि उसने अगर नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा मैडम। कैसी विडंबना है देखा, पहले वो कहता था अगर तुम नहीं मिली तो वो मर जाएगा, और अब खैर उसने क्या कहा आगे? उसने कहा मैं लंदन में हूँ, तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता, चाहो तो मेरी रखेल बनकर रह सकती हो, बस अपने आप को मेंटेन करके रखना, ऐसा कहा मैडम। चप्पल से मारना चाहिए ऐसे लोगों को, पता नहीं औरतों को क्या समझते हैं ये लोग। क्या ये बात तुम्हारे घर वालों को पता है? उनको कुछ नहीं पता मैडम। इतना सब कुछ हो गया फिर भी अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया? नहीं मैडम, अगर ये बात बाहर किसी को भी पता चली तो मेरी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इतना ही नहीं मेरे माता पिता आत्महत्या कर लेंगे। लेकिन अब तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। मुझे मेरा पति चाहिए मैडम, मेरे बच्चे को बाप चाहिए। वहाँ जाकर बैठ जाओ। पहले तो वो लड़का कौन है, उसका परिवार कैसा है, उसकी डिटेल्स मुझे दो। वो मंत्री मोहन कृष्णा का बेटा है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो टेलीकॉम मिनिस्टर का बेटा है। हाँ मैडम। तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? हाँ मैडम, ये हमारे साथ साथ लिए हुए फोटोज हैं। ऐसी ऐसी फोटो है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं ना, हमारे देश में ऐसा अन्याय हमेशा से चला आ रहा है, और हमारे देश में तो बहुत ज्यादा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। एक लाश बनाना। तो शाबाश दीपा, मजा आया। थैंक यू। मिक्सिंग अच्छी तरह से करना। अभी तो खेल शुरू हुआ है। कम्युनिकेशन मंत्री मिस्टर मोहन कृष्ण, इसने मेरा चैनल शुरू करने के लिए 5 करोड़ की रिश्वत ली थी ना, अब देखना इससे 5 करोड़ वापस लूंगा। हेलो, नमस्ते सर, मैं बीटीवी का एमडी राजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो राजा, तुम्हें बता दूँ मेरा हिस्सा अभी तक पहुँचा नहीं है। टेलीकास्ट बंद करवाना चाहते हो क्या? नहीं सर, ऐसी बातें नहीं करते, ये ठीक नहीं है सर। 10 नहीं 50% की बात करते हैं। ए, जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ सर, टेलीकम्युनिकेशन मंत्री मोहन कृष्ण से बात कर रहा हूँ। तुम अभी होश में नहीं हो, बी के बात कर रहे हो क्या? मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया है, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आप हिल जाएंगे सर। क्या बक रहे हो तुम? तुमने जो बेटा पैदा किया है ना राम, वही मुझसे ऐसी बातें करवा रहा है, समझ रहे ना? या और किसी भाषा में समझाओ। समझ गए ना? ए मिनिस्टर, तेरी गर्दन अब मेरे हाथ में है। चैनल शुरू करने के लिए रिश्वत के अलावा तेरे साथ सोना भी पड़ाना मुझे? अब मेरे पास तेरे बेटे की रंग रलियों की तस्वीर है,
उस लड़की की गवाही और सारे सबूत मेरे पास हैं। मीडिया को बुलाकर सारी बातें सामने रख दी ना तो तेरी इज्जत बाजार में उतर जाएगी। अब बता क्या करना है, मेरी बात मानेगा या फिर मीडिया को बुलाकर तेरी इज्जत उतारूं? हाँ, कितने रुपए चाहिए? ये हुई ना बात, पैसा अकाउंट में आते ही ये सारे सबूत तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। लेकिन ये जो ऑडियो है ना वो मेरे पास, मतलब यही अभी जो तुम और मैं बात कर रहे हैं ना, वो सब मेरे पास ही रहेगा मरते दम तक। तुम्हारे कारण मुझे कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बाय। अपना अकाउंट नंबर भेज दो, पैसे आते ही इन सबूतों की कॉपी निकाल कर उसे भेज देना। अच्छा, और वो लड़की? वो सब मैं संभाल लूंगी। मेरे लिए एक क्वार्टर बोलो ना प्लीज। एक क्वार्टर मैडम के लिए। सच बोलिए और जोर से बोलिए, यह हमारी जनता का कार्यक्रम है, आपकी आत्मा ही आपकी गवाही है। वो सब मैं संभालूंगी। Ah!
दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो। हेलो पुलिस स्टेशन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। और इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर। ठीक है सर। ए, ये सब जरा ठीक से देखना। कम, लेट्स गो। सुनो, माँ के बारे में सोचती रहोगी तो कैसे चलेगा? हाँ? खाओगी नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। उनका समय पूरा हो गया, वो चली गई। ऐसे मत देखो। सुनो, आज तक तुमने जो भी पढ़ाई की, तुम पर जो भी खर्चा हुआ, वो सब मैंने किया। इतना ही नहीं, ये घर भी मैंने दिलाया। जानती हो इस घर की कीमत क्या है? 3 करोड़ रुपए। अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, इस लड़के ने गड़बड़ कर दी, सब किए कराए पे पानी फेर दिया। ए सुनो, तुम मुझे ऐसे मत देखो, समझ गई? आज ये प्रोग्राम बंद कर दूंगा तो दूसरे चैनल वाले शुरू कर देंगे, जानते हो ना? और इसीलिए जो प्रोग्राम तुम्हारी मां ने शुरू किया था, उसे तुम ही चलाओ तो बेहतर होगा। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एक्टर का बेटा एक्टर बन सकता है, तो टीवी एंकर की बेटी टीवी एंकर क्यों नहीं बन सकती? कल तुम्हारा प्रोग्राम होगा और मैं जा रहा हूं, फिर कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन मुझसे बचने की कोशिश की ना, तो जान से मार दूंगा, समझ गए?